को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लेके जाऊंगा। स्वयं जाइएगा फिर आप? जी सर, मैं जाऊंगा। सर, श्रेया हत्याकांड, सर ये ऐसा घटना है ना जिसे सुनकर आपका रूह कांप जाएगा। और सर, इसी श्रेया हत्याकांड में अब पवन सिंह कूद पड़े हैं। दरअसल पूरा मामला क्या है, आइए समझते हैं और बिल्कुल फैक्ट के साथ समझने का प्रयास करते हैं कि एक लड़की रहती है जो लगभग 16 साल की रहती है। सर, वो सुबह सुबह तैयार होती है, सुबह सुबह अपना जो करना रहता है वो करती है और अपना कोचिंग के टाइम में वो घर से निकल जाती है। लेकिन वो लड़की लौट के नहीं आती है। घर वाले लोग खोजबीन करते रहे लेकिन सर पूरा दिन बीत गया, लड़की का कोई आता पाता भी नहीं चला। सर, ऐसा ही पूरा रात भी बीत गया लेकिन लड़की का कोई पता नहीं चला। सर, जैसे ही सुबह होता है, दूसरे दिन का सुबह होता है, तब ये लड़की का डेड बॉडी मिलता है। लेकिन सर, इसी मैटर में अब पवन सिंह आ गए हैं, सो क्या बोले हैं ये सुन लीजिए। चार दिन में अगर कुछ आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं इस मामले को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लेके जाऊंगा। सर, पवन सिंह का साफ साफ कहना है अगर इस बच्ची को जो भी इनके साथ किडनैप हुआ है या मतलब कुछ भी हुआ है, उनको अगर चार दिन के अंदर में गिरफ्तार नहीं किया गया या कुछ कार्रवाई नहीं किया गया तो मैं इस मैटर को बिहार के मुख्यमंत्री तक लेके जाऊंगा और इस बीच में कोई अमचा चमचा नहीं होगा। मैं पवन सिंह खुद मुख्यमंत्री के पास जाऊंगा और इस मैटर पे चर्चाएं और बात करूंगा। दरअसल अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर पवन सिंह इस मैटर में क्यों कूदे हैं, तो सर आपको बता दें कि ये मैटर काराकाट क्षेत्र के ही किसी गांव में ऐसा घटना हुआ है। खैर, अब देखना ये है कि क्या चार दिन बाद पवन सिंह जी कुछ एक्शन लेते हैं या इनसे पहले कोई और एक्शन ले ले। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं कि जो ये 16 साल की मासूम लड़की के साथ इतना घटिया हरकत किया, क्या उनको सजा मिलना चाहिए? आप लोग प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा राय जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं कोई अगले बड़ा वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं सोनू, आप सभी को नमस्कार।